तो आज हम आए हैं सेक्टर 18 मनोकामना अपार्टमेंट। यहाँ पर आपको ये दो लिफ्ट मिल जाती हैं। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं कि अभी 2:30 बजे हैं और धूप पूरी आई हुई है। और ये है इसका ड्राइंग डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पर आपको हल्का एल शेप का ड्राइंग डाइनिंग मिलता है। बहुत टाइम के बाद 2 BHK में इस रेंज में इतना ज़बरदस्त स्पेशियस फ्लैट लेकर आए हैं हम। और ये है हमारा किचन। आप किचन देख सकते हैं, बहुत स्पेशियस साइज है इस किचन का। लगभग अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो ये जो किचन है हमारा, ये 12 बाई 11 के आसपास का आपको किचन मिल जाता है। और वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो वहां पर मिल जाती हैं। फ्लैट जो है ये बिल्कुल बेसिक काम रो कंडीशन में है। इस फ्लैट की जो अगर हम बात करें UPS की, तो ये देख सकते हैं आप, सामने बिल्कुल फ्रंट टावर का ये फ्लैट है हमारा। और ये आपको इसमें टेरेस मिल जाता है। तो ये पेंट हाउस है, 2 BHK का पेंट हाउस। अभी अगर हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है। साइज इस हमारे इस बेडरूम का जो है बिल्कुल आराम से है, 13 बाई 15 के आसपास का हमारा ये बेडरूम है। ये जो एरिया है ये आपको कबर्ड के लिए मिल जाता है। और ये आपका वॉशरूम, सामने जो है पूरी ये विंडोज दी गई हैं और यहाँ से आपको जो है ये व्यू मिल जाता है। ये सोसाइटी के जो पीछे की है सर्विस लेन, यहाँ पर आपको विजिटर पार्किंग मिल जाती है। मनोकामना अपार्टमेंट जो है वो अपने आप में ही बहुत ज़बरदस्त अच्छी सोसाइटी है। लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, साथ में ही आपको जो है वेंटकेश्वर हॉस्पिटल, वेंटकेश्वर स्कूल, सचदेवा स्कूल, सेक्टर 12 का मेट्रो स्टेशन, वो सब अमेनिटीज़ मिलती हैं। ये है हमारा सेकंड बेडरूम। इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा साइज़ है इस बेडरूम का भी। और ये आपका कवर्ड एरिया, और ये है आपका वॉशरूम। इसी वॉशरूम के साथ कनेक्टेड है, और ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। इस फ्लैट से बाहर निकलते हैं तो आपको मैं दिखाती हूँ इस फ्लैट को लेने के लिए जो एक और सबसे बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट है, वो है ये कि सोसाइटी के अंदर बच्चों को आपको यहाँ पर जो है एक किड्स प्ले एरिया मिल जाता है। यहाँ पर जो है ये कॉमन एरिया है जिसे आप जो है यूज़ कर सकते हैं पार्टीज़ के लिए, बच्चों के लिए साइकिलिंग, और आपके जो है बच्चे टेनिस कोर्ट वगैरह वो इजीली खेल सकते हैं। तो ये एरिया, इस एरिया का जो बेनिफिट है वो फर्स्ट फ्लोर वालों को ही मिलता है। हमारी जो ये सोसाइटी है इसमें अलॉटमेंट जो है 2022 की हुई है। बाकी सोसाइटी के अंदर अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर काम चल रहा है।